वेलकम टू बैक माई चैनल राजिल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास 2.1 होम थिएटर आया हुआ है लोकल, जो कि सोनी कंपनी का है। देखिए आप ब्रांड नेम आगे सामने में लिखा हुआ है, और इसमें प्रॉब्लम देखिए आप लोगों के सामने ये है। आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है आप लोगों के सामने। तो दोस्तों देखिए, ये इसका ट्रांसफार्मर है और इसका क्या हाल हो रखा है, जो कि यहाँ पर मेन लीड लगेगा 220 वोल्ट करंट यहाँ पर आएगा, और यहाँ से 12012 एसी आउट होगा। तो दोस्तों ग्राहक ने देखिए क्या किया है, इसमें इसका जो एक जीरो वाला कनेक्शन है यहाँ पर जोड़ लिया है, और देखिए एक तोड़ रखा है और एक बोर्ड में कनेक्ट है, जो कि 2.1 बोर्ड है, वो लोकल बोर्ड है। आप लोग देख सकते हैं, देखने पर पता ही चला जाता है कि कौन सा लोकल है कौन सा ओरिजिनल है। तो दोस्तों आज आप लोगों को सिखाएंगे इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ट्रांसफार्मर चेक करने का उपाय बता देता हूँ, चेक कैसे किया जाता है, ठीक है या नहीं। तो मैं अपने कैमरे को सेट कर लेता हूँ, उसके बाद ट्रांसफार्मर को भी देख लेते हैं कि सही है या नहीं। तो मैं अपने कैमरे को सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास ये डिजिटल मीटर है और इसको कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लीजिए। देखिए ऑफ कंडीशन है, और इसको देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफार्मर का प्रोब है, देखिए एक यहाँ से है रेड, यहाँ पर मैं टच करा लेता हूँ डिजिटल मीटर का प्रोब, और एक यहाँ पर है जो कि खुला है, और देखिए मीटर में रीडिंग आप लोगों के सामने बता रहा है। तो देखिए इसका प्राइमरी वाइंडिंग ठीक है, और सेकेंडरी चेक कर लेते हैं ठीक है या नहीं, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको टच कर लेंगे सेकेंडरी के लिए, और उसके बाद देखिए 12 का ये तार है, और जो बीच में रहता है अलग कलर का तार, वो जीरो होता है और ये 12 का है। तो यहाँ पर एक है इसका प्रोब, देख लीजिए मीटर में बीप की साउंड आ रहा है, मतलब ठीक है। और उसके बाद इसको भी चेक कर लेते हैं जीरो वाला वायर को, यहाँ से टच कराते हैं। तो दोस्तों इसमें लाइन नहीं आ रहा है। तो आज आप लोगों को यही फॉल्ट क्लियर करना सिखाऊंगा, कैसे क्लियर किया जाता है। तो उसके बाद इसको सीधा रख लीजिए, और यहाँ पर क्या कीजिए, ये जो यहाँ पर टेप सटा हुआ है उसको फाड़ लेंगे ब्लेड्स की सहायता से, और यहाँ फाड़ लेते हैं। क्या होता है कभी कभी यहाँ पर जंग लग जाता है, इसी की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम होता है, मॉइस्चराइजर लग जाता है। तो डायरेक्ट यहीं से चेक कर लेंगे इसका प्रोब सही है या नहीं। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, देखिए एक ये कनेक्शन हो गया, और एक ये कनेक्शन हो गया, और एक ये कनेक्शन हो गया। हम छुड़ा लेते हैं वायर को, तीनों वायर को छुड़ा लेते हैं, और उसके बाद डिजिटल मीटर से चेक करेंगे सही बता रहा है या नहीं। तो दोस्तों देख लीजिए, देखिए दोस्तों आप लोग को एक और बात बता दे रहा हूँ, इसमें क्या किया गया है, जो कि जो सिंगल वायर है वो 12 का हो जाएगा, और एक सिंगल वायर है वो भी 12 का हो जाएगा, जो डबल वायर है जीरो हो जाएगा, माइनस मतलब ग्राउंड। तो इसको चेक करेंगे, तो चेक करते हैं। तो ये मीटर को मैंने रख लिया, और उसके बाद मैं बीच में रख लेता हूँ, और देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रहा है, और साइड में जो है इसमें भी कंटिन्यूटी आ रहा है, मतलब ये ट्रांसफार्मर ठीक है। अब इसमें तार जोड़कर आप लोगों को दिखाते हैं आगे का कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं तार जोड़ लेता हूँ इसका, एक इसमें और एक इसमें, जीरो में और एक इसमें। तो दोस्तों देखिए, मैं इसका कनेक्शन कर लिया हूँ, इसमें वायर छील कर नए वायर जोड़ दिया हूँ। तो यहाँ पर क्या किया हूँ, सोल्डरिंग भी कर लिया हूँ अच्छे से, ताकि इसमें मॉइस्चराइजर ना फिर से लगे। तो इसमें सीरीज का लाइन देकर और इसे टेस्ट कर लेता हूँ कि इसमें 12 वोल्ट आ रहा है या नहीं। तो मैंने इसमें सीरीज का लाइन दे दिया हूँ, और ये देखिए डिजिटल मीटर, इसको 250 वोल्ट एसी पर सेट कर लीजिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है यह इसमें से एसी ही बाहर निकलता है। तो देखिए दोस्तों 12 वोल्ट एसी इसमें से बाहर निकलेगा। तो देखिए ये माइनस वाला वायर है बीच वाला, और ये 12 वोल्ट, देखिए आप मीटर उधर 12 वोल्ट आ रहा है,
और उसके बाद इसको भी यहीं से चेक कर लेते हैं, तो इसमें आएगा 24 वोल्ट। तो देखिए दोस्तों वहाँ पर 25.5 वोल्ट आ रहा है, तो मतलब ये ट्रांसफार्मर ठीक हो गया है। अब उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कनेक्शन बोर्ड में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपने सीरीज का वायर निकाल लीजिए बाहर, सावधानीपूर्वक लाइन का काम करें, और इसको क्या करते हैं टेप से साट लेते हैं सबसे पहले। तो मैं वीडियो को पॉज करके टेप साट लेता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों मैं यहाँ पर टेप कर दिया हूँ, यहाँ पर टेपिंग कर दिया हूँ, अच्छे से आप भी टेपिंग कर लीजिए। और उसके बाद इधर मदर बोर्ड को उल्टा करते हैं, और उसके बाद आप लोगों को कनेक्शन बताते हैं कि कहाँ होगा। तो दोस्तों देखिए इस बोर्ड में आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 पॉइंट दिया हुआ रहता है, 1, 2, 3। और आगे के साइड से आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर एक कनेक्टर दिया रहता है, देख लीजिए दोस्तों, आप लोग सीधा करके दिखा दे रहा हूँ थोड़ा जूम करके। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कनेक्टर दिया हुआ है, जो बीच वाला रहता है दोस्तों वो माइनस होता है, और साइड साइड वाला देखिए वहाँ पर दिया है, मैं पेचकस के सहायता से बता दे रहा हूँ। देखिए ये वाला जो पिन देख रहे हैं इधर, यही है, तो पीछे से समझाने में अच्छा रहता है, तो मैं पीछे से समझा देता हूँ। ये क्या होता है, ये जो बीच वाला है ग्राउंड है, और ये साइड वाला प्लस है 12 वोल्ट, और इसमें भी 12 वोल्ट देंगे। तो मैं इसका कनेक्शन करके आप लोग को दिखाता हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों कोई भी काम सीखने के लिए थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है, नहीं तो अन्यथा काम नहीं सीख पाएंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, और उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कहाँ पर कनेक्शन होगा। तो ये देखिए जो ये ग्राउंड वाला वायर है, बीच वाला काला वाला, देख सकते हैं आप ट्रांसफार्मर से ये 3 वायर आ रहा है। तो ये जो काला वाला वायर है, इसको हम क्या करेंगे, बीच वाले पॉइंट में यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो इसका बीच वाला पॉइंट इधर आ रहा है, तो हम इधर जोड़ लेते हैं, कहीं पर भी जोड़ लेंगे। देख लीजिए यहाँ पर जोड़ दिया मैं इसका, देखिए यहाँ से बीच वाला पॉइंट आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ये पॉइंट है, इसको भी यहाँ पर जोड़ लेंगे, और उसके बाद एक यहाँ पॉइंट है किनारे वाला, तो इसको भी यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो मैंने इसका कनेक्शन कर दिया, और उसके बाद इसको टेस्ट करा के आप लोग को दिखाते हैं चालू होता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों एक इसका वायर टूट रहा है, तो इसको भी जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग को मैं बता दूँ, जो ये वाला कनेक्शन छूट रहा है, जो ये डिस्प्ले का, जिसमें जिस पैनल जो होता है डिस्प्ले का पैनल, उसमें लाइन जाता है 5 वोल्ट, इसी का तार है। तो देखिए यहाँ पर इसका 5 वोल्ट आ रहा है, मैं आप लोग को चेक करा दे रहा हूँ। दोस्तों आप गलती कभी ना करें, यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा सा करेंगे तो आप लोग का डिस्प्ले जो चला जाएगा हाथ से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 20 वोल्ट पर सेट कर लेते हैं, और उसके बाद इसमें लाइन देकर यहाँ से बीच वाले जो होता है, यह 7805 IC लगा रहता है, यहाँ बीच वाले पर देखिए रखेंगे यहाँ से, तो देखिए उसमें 16 वोल्ट आ रहा है मीटर में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए इसमें बीच वाले पर रखेंगे तो इसमें 16 वोल्ट आ रहा है, देखिए, और इधर के साइड में आप लोगों को 5 वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों ये जो वायर रेड कलर का छोड़ा हुआ है, इसमें 5 वोल्ट वाले वायर में जोड़ देंगे। तो इसका जब वायर जोड़े तो होम थिएटर का लाइन ऑफ कर दे, और उसके बाद यहाँ पर वायर जोड़े। तो मैं इसको जोड़ लेता हूँ फटाफट से, तो इसको यहाँ पर ऐसे रख के सोल्डरिंग कर लेंगे, और देख लेंगे इधर उधर टच नहीं हो रहा है। तो मैं इसको अच्छे से यहाँ पर सोल्डरिंग कर लिया हूँ, और उसके बाद आप लोगों को सामने दिखाता हूँ कि यह चालू हुआ या नहीं। तो इसको सीधा कर लेता हूँ, और उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इधर इतना सामान रखा हुआ है, तो पीछे से अभी खुला है, और देखिए ये मेरा सीरीज बोर्ड है, इसको यहाँ से लाइन को ऑन करता हूँ, और देखिए दोस्तों इसमें लाइन आ चुका है। दोस्तों ये जो है डिस्प्ले, जो मतलब अभी मतलब ब्लूटूथ मोड पर नहीं है, जब ब्लूटूथ मोड पर हो जाएगा तो बच जाएगा। सिर्फ दोस्तों आप लोग को मैं बता रहा हूँ, तो इसमें लाइन जो लाइन का फॉल्ट था वही बताया मैं, क्लियर किया,
और अगर आप रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले। देखिए दोस्तों, मैं इस होम थिएटर को उल्टा रखा हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको सीधा मैं कर लूँगा। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।